जय बाबा भाई। सभी दोस्तों को फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं गोगा जी के मंदिर में, राजस्थान में स्थित है, आप देख रहे हो। आज हम आपको दर्शन कराएंगे गोगा मैड़ी मंदिर के। जय बाबा की लिखते रहे। तो दोस्तों मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं, ये बागड़ मेले का, ये जो दुकानें देख रहे हो आप, ये ऐसी रहती हैं, बारह मास यहीं पर लगी रहती हैं, ये दुकानें नहीं हटती। कुछ दुकानें चली जाती हैं जो बाहर के आते हैं, ये यहीं के हैं। जितने दुकानदार आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ऊँट बेच रहे हैं, बाबा की तस्वीरें हैं, ऊँट हैं, घोड़े हैं, देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर सुंदर बने हुए हैं घोड़े ऊँट। और अब दिखाते हैं आपको आगे का दृश्य, ये दुकानें हैं आगे की, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, रेलवे फाटक के पास की हैं। इधर की ओर भंडारे चलते हैं, आपने देखे होंगे आप जब मेले में आए होंगे, इस टाइम पूरा चौड़ मचा हुआ है। इधर साइड में आपको ये दुकानें दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये दुकानें हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, घड़े होते हैं, सभी ये दुकान पूरे मिट्टी के बर्तनों की है। आप देख सकते हो ये पूरी दुकान मिट्टी के बर्तनों की है, यहाँ पे आके आप सामान खरीद सकते हो, मिट्टी के बर्तन। आपको ये दुकान 24 घंटे खुली मिलेगी, यानी कि बारह मासी रहती है, यहीं पे रहते हैं, आप कभी भी आके इनको सामान ले सकते हो इनकी दुकान पर से। गोगा मैड़ी मेले के आपको अपडेट दे रहा हूँ मैं। नमस्कार सभी भाइयों को, फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ राजस्थान में गोगा मैड़ी में, और आज मैं आपको दर्शन कराऊँगा गोगा मैड़ी मंदिर के, ले चलता हूँ आपको। अभी मैं राजस्थान में देख सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, एक ये देखिए इधर कितनी तेज़ धूप निकल रही है। और फिलहाल मैं दिखाने वाला हूँ आपको आज गोगा मैड़ी मंदिर, ले चलता हूँ बाबा के दरबार में, पूरी जानकारी दूंगा मंदिर की कैसा है। और दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धूप निकल रही है, और इधर को आपको इधर का दृश्य दिखाते हैं दुकानों का, हम आपको सारी दुकान दे रहे हैं। ये दुकान मिली हमको ट्रैक्टर की, छोटे छोटे ट्रैक्टर हैं, अपने बच्चों के लिए आप ट्रैक्टर लेके जा सकते हो यहाँ पर। ये लकड़ी का ट्रैक्टर बना हुआ है, ये लोहे का है। इधर खेल खिलौने की दुकान है, और दिखाते हैं आपको आगे का दृश्य, काफ़ी अच्छा लग रहा है घूम के, एकदम ज़्यादा भीड़ नहीं है, ऑक्सीजन भी आ सकते हो आप बाबा के दर्शन करने के लिए। फिर दोबारा मिट्टी के बर्तनों की दुकान आ चुकी है, ये देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भक्तजन। और इधर का दृश्य देख सकते हो, जैसे भी आप गोगा मैड़ी के मार्ग की ओर आते हो तो इधर जो जितने भी लगे होते हैं बैरिकेडिंग सब हट गए हैं। गोगा मैड़ी मार्ग का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप इधर ये दुकानें लगी हुई हैं, और काफ़ी भक्तजन आए हुए हैं। दिखाएंगे आपको मंदिर का पूरा दृश्य, ले चलते हैं आपको मंदिर की ओर। फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ मैं गोगा मैड़ी मार्ग, आप देखिए इसी रास्ते सीधे सीधे जाना है। जब मेला लगता है यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, पैर रखने की जगह नहीं होती गोगा मैड़ी में। आपको दृश्य दिखा रहा हूँ गोगा मैड़ी का, जैसे ही आओ गोगा मैड़ी में दर्शन करने के लिए आओगे तो प्रसाद ले सकते हो, यहाँ से प्रसाद की दुकानें हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं बाबा के दरबार में गोगा मैड़ी, ये देख सकते हो आप, काफ़ी सारी दुकानें हैं प्रसाद की, यहाँ से प्रसाद ले सकते हो आप बाबा पे चढ़ाने के लिए, बाबा के झंडे ही मिल रहे हैं यहाँ पर गोगा मैड़ी में। आपको दिखा रहा हूँ सामने गोगा मैड़ी मंदिर है, मंदिर के अंदर के आपको दृश्य दिखाएंगे, दर्शन भी कराएंगे। जय बाबा गोगा जी। और आप देख सकते हो बाबा के दरबार का बाहर का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ये देखिए पूरा खाली इधर का मैदान, अब आके दर्शन कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बाबा के दरबार में गोगा मैड़ी में, आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं गोगा मैड़ी मंदिर के पास, हमने प्रसाद लिया यहाँ से भाई की दुकान पर से। क्या नाम भाई आपका? सतपाल सिंह गुज्जर भाई का नाम। और यहाँ से आप आ सकते हो, बिल्कुल मंदिर के पास दुकान है भाई की, प्रसाद ले सकते हो आप, काफ़ी अच्छी आदत लगी भैया की, वो सामान रख सकते हो, अपनी जूते चप्पल लेकर जा सकते हो आप, देख सकते हो काफ़ी बड़ी दुकान है। और सबसे अच्छी बात है कि दुकान जो है मंदिर के करीब में ही है, आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दर्शन कराते हैं गोगा मैड़ी मंदिर के, ले चलते हैं आपको। जय बाबा की लिखते रहे। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर के पास ही, आपको दर्शन कराऊँगा गोगा मैड़ी मंदिर के। ये देखिए बाबा के दरबार में आके बहुत अच्छा लगता है। गोगा मैड़ी मंदिर आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ का दृश्य आप देख सकते हो, काफ़ी कम भक्तजन है, दोपहर का समय हो चुका है, 12 बज चुके हैं दोपहर के, आपको दिखा रहा हूँ मैं ये दृश्य गोगा मैड़ी मंदिर, देख सकते हो आप इधर पीछे का व्यू, देख सकते हो आप ये बाबा के दरबार का। जय बाबा की लिखते रहे। जय बाबा जहारवीर के आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ मंदिर के, आप देख सकते हो
बहुत ही अच्छा लग रहा है बाबा के मंदिर में आके। कितना सुंदर दृश्य है इधर का, देखिए आप समाधि देख सकते हो, माता बाछल और रानी सीरियल की समाधि है, मंदिर के पास ही बनी हुई है। बाबा जहरवीर की देखिए अंदर है, जो घोड़े सहित समा गए थे धरती में, और माता बाछल और सीरियल की यहाँ पे बाहर है समाधि, आप देख सकते हो माता बाछल की। हमने माता बाछल और सीरियल के आपको दर्शन करा दिए, अब चलते हैं बाबा जहरवीर के दर्शन कराने के लिए, आपको अंदर की ओर दिखाते हैं बाबा के दर्शन। तो अब आ चुके हैं बाबा जहरवीर के दर्शन करने के लिए, आपको दिखा रहा हूँ मैं, कितना सुंदर दृश्य है इधर बाबा जहरवीर का मंदिर का, आप देख सकते हो। गोगा जी की जय। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं बाबा के दरबार में, आपको दर्शन करा रहा हूं, वो लाइक और कमेंट करते रहें, और कितना सुंदर दृश्य है देख सकते हो आप। आप बाबा की ओर चलते हैं लेके, दोस्तों दर्शन करा दिए मैंने आपको बाबा के, मैंने भी दर्शन कर लिए हैं, और आपको दिखाते हैं बाहर का दृश्य। दोस्तों देख सकते हो दर्शन करने के बाद बाबा का बाहर का दृश्य, काफ़ी भक्तजन है ये, सब दर्शन करके आ रहे हैं बाबा के। इधर के और दिखाते हैं आपको, तो मेले के टाइम पे आप आओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी यहाँ पे। इधर देखिए आप, काफ़ी भक्त आए हुए हैं इधर भी। और देख सकते हो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ बाबा जहरवीर के यहाँ का, और बाबा की समाधि स्थल। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें अपने परिवार में और अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें बाबा के दर्शन हो जाए और ऐसी जानकारी मिल जाए बाबा के दरबार की। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी भक्तजन हैं आए हुए हैं बाबा के दर्शन करने के बाद, तो डांस कर रहे हैं यहाँ पे बाबा के दरबार में, देखिए आप। गोगा मैड़ी मंदिर के आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, देखिए कितना सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ आपको एकदम। इस टाइम आके आपको फ़ायदा रहेगा, दर्शन हो जाएंगे आपके आराम से बाबा के, आप ज़्यादा भीड़ नहीं देख सकते हो, लाइनें खाली पड़ी हुई हैं, सभी लाइनें खाली हैं, कम यात्री आए हुए हैं, उसमें आपका फ़ायदा, दर्शन हो जाएंगे आपके, काफ़ी अच्छे दर्शन हो पाएंगे। मेले के टाइम में धक्का ज़्यादा रहता है, धक्का पहली आप देख सकते हो, उधर तक सब चौड़ी चौड़ मचा पड़ा है, यानी वहाँ पे सब जगह पे बहुत ही भीड़ रहती है, पैर रखने जगह नहीं रहती है, और उस वाले गेट से बाहर की ओर निकालते हैं। अब तो आप इधर से जा सकते हो, इधर से जा सकते हो बाबा के दरबार में दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना, चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाबा रतननाथ जी के आपको दर्शन कराते हैं, ये रतन बाबा की समाधि आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो समाधि स्थल बाबा की, रतन समाधि, और सामने बाबा गोगा जी महाराज जी का मंदिर है, आप देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। गोगा मैड़ी मंदिर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला लगता है, और आप देख रहे हो काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और ये मंदिर साल के सभी दिन खुला रहता है, आप दर्शन करने आ सकते हो मंदिर में बाबा जहरवीर के, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर में।
जैसे कि आप देख रहे हो, आपको दिखा रहा हूँ गोगा मैड़ी मंदिर, जिस किसी की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हो जाती है, भंडारा करके जाते हैं, काफ़ी यात्री भंडारा कर रहे हैं यहाँ पे, देख लो भंडारा चल रहा है। ये ऐसे ही आपको छोटे बड़े भंडारे मिलते रहेंगे बाबा के दरबार में, गोगा मैड़ी मंदिर में, राजस्थान में स्थित है मंदिर। और ऐसे ही आपको काफ़ी सारी दुकानें मिलेंगी बागड़ मेले में, देख सकते हो बागड़ धाम में, आपको दिखा रहा हूँ मैं, देख सकते हो यहाँ पे घोड़े मिल रहे हैं, और इधर भी देखिए घोड़े की दुकान एक और आगे मिली हमें, इधर काफ़ी बड़ी मार्केट लगी हुई है। ये मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूँ गोगा मेड़ी मंदिर के पास की, आप देख रहे हो बाबा के मंदिर के पास की मार्केट है ये, राजस्थान गोगा मेड़ी बागड़ धाम आपके, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको दृश्य यहाँ का गोगा मेड़ी का, काफ़ी बड़ी यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, दूर तक देख रहे हो आप। जब आप मेलों पर मेले के टाइम घूमने आओगे यानी कि, तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, ये जो ग्राउंड देख रहे हो पूरा खाली, ये एकदम भरा हुआ होता है खचाखच, आप देख पा रहे हो अभी पूरा दूर तक ग्राउंड खाली है, धूल सी उड़ रही है। इधर रास्ते में सामने इधर पास में दुकान है प्रसादों की, घोड़ों की, खिलौनों की, यहीं से आप खिलौने ले सकते हो बाबा के दरबार में जब आओ आप, और खाने का होटल भी इधर पास में ही है। ये देखिए इधर का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको,